हेलो फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री के कुछ टॉपिक के बारे में डिटेल पे चर्चा करेंगे। तो ये रही कुछ कृतियाँ, किताबें जो गुप्तकालीन साहित्यिक कृतियाँ हैं। पहला है ऋतु संहार, ये कालिदास द्वारा लिखा गया ये काव्य है। फिर मेघदूत हो गया, दूसरा कालिदास द्वारा ही लिखा गया। कुमार संभवम कालिदास, रघुवंश कालिदास, मालवीय मित्रम कालिदास नाटक है ये, विक्रमो सीरतक कालिदास नाटक है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास ये नाटक है, रुद्राक्षस विशाखादत्त नाटक है, देवी चंद गुप्तम विशाखादत्त ऐतिहासिक नाटक है ये, काव्य दर्शन दंडनी काव्य, दस कुमार चरित दंडनी, गद्यांश प्रेम कथा, चिरजातुर भवात महाकाव्य है, रावण भट्ट वत्सल भट्टी काव्य है, स्व प्रभावदत्त भास नाटक है, चारुदत्त भास है नाटक, अरुभंग भास ही इसके ये भी नाटक है, प्रतिज्ञानोधराय भास नाटक है, हर्ष चरित्र बाण भट्ट द्वारा लिखा गया ये काव्य है, कादंबरी बाण भट्ट काव्य है, अमर कोश अमर सिंह ये शब्दकोश। फिर चंद व्याकरण चंद्र गोमी व्याकरण है। फिर विशुद्ध मग्न बुद्ध घोष बौद्ध ग्रंथ है, न्याय अवतार शुद्ध सेन जैन प्रदर्शनी ग्रंथ है, बृहत संहिता 12 मिहिर विश्वकोश इसके, पंच सिद्धातनी 12 मिहिर वैज्ञानिक कृति है, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्म गुप्तम गणित कृति है, आर भट्टीय आर भट्ट द्वारा लिखा गया गणितीय ज्योतिष है, सूर्य सिद्धांत आर भट्ट ज्योतिषी है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा उपदशात्मक लघु वंश कृतिया, नीति शास्त्र कामांधक नीति है, काव्य अलंकार महाकाव्य है, कामसूत्र वात्सल्याय कलाकृत कृति है, अष्टांग हृदय बाणभट्ट औषधि शास्त्र है, हस्त आयुर्वेद कल्पकार औषधि शास्त्र है, चरक संहिता चरक औषधि शास्त्र है, मच्छ कटिकम शूद्रक नाटक। ओके फ्रेंड।